गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम नेहा। आई होप यू ऑल आर गुड। दिस इज साइंस बुक। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर, चैप्टर 14। वंस अगेन लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेबल रेन। रेन इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस, हाउएवर इट कॉज नेचुरल डिजास्टर एज वेल एज अदर ड्यू टू द वेरी हैवी रेनफॉल और बाय नॉट ऑकरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। Let us consider both the cases along with their effects on our life. Heavy rains cause flood. Heavy rain क्या करती है? Flood लाती है. Heavy rains for a long time's result is in an increasing in the level of waters in rivers, lakes and ponds. The waters may even spread over the large area of nearby lands, causing floods. The measuring calamities due to the flood are floods cause extensive damage to crops. क्या करती है? क्रॉप को डैमेज कर देती है. दिस मे कॉज एक्यूट फूड स्टोरेज एंड द डेथ ड्यू टू द हंगर. क्या होगा इससे? क्या होगा? स्टोरेज पे इफेक्ट आएगा, कम जगह कम अनाज स्टोर हो पाएगा और लोगों की जो भूख होगी वो लोग ज़्यादा होंगे और उनको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से भूखे वो मर जाएंगे। फ्लड कॉज सीरियस इंजरीज और द डेथ ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल बाय ड्राउनिंग। क्या होता है? फ्लड के कारण कुछ एनिमल्स जो होते हैं क्या होते हैं, डूब जाते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। ठीक है, डूबने की वजह से मर जाते हैं। फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टीज को भी बहुत ही इफेक्ट पहुँचाती है फ्लड। मैनी people die by the drowning. Their house collapse and their belongings gets lost in water. Electricity, water supplies and communication network also get affected. Floods wash away the top layers of the soil, resulting in soil erosion. Flood की वजह से क्या हो जाता है, जो ऊपर की layer होती है वो भी बह जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसकी वजह से पानी में बह जाने की वजह से क्या हो जाता है, soil erosion होता है, fertile soil हमारी चली जाती है. When the flood water recedes, there is a fear of spreading waterborne disease like cholera, dysentery and diarrhea. सेकेंड है, नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉजेस ड्रॉट। अगर बारिश लगातार हो रही है तब क्या होगा, फ्लड कॉज करती है, और नहीं बारिश हो रही है तो क्या होता है, ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। एब्सेंस ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम लीड टू द शॉर्टेज ऑफ अ वाटर इज कॉल्ड ड्रॉट। द मेजर डिजास्टर ड्यू टू द ड्रॉट आर द सॉइल लॉसेस वाटर बाय एवोपरेशन। इट डज नॉट गेट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो द सॉइल बिकम ड्राई एंड हार्ड and being to crack. Crop plant cannot grow in this dry and hard soil. This may cause acute food shortage for people living in the area. अब इससे क्या होगा, जब अनाज ही नहीं उगेगा तो खाने में कमी हो जाएगी ना, अनाज कम हो जाएगा। Vegetation such as grass, fooders does not grow well. और इसमें अच्छे से अनाज नहीं उग पाएगा, ग्रास नहीं उग पाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, दिस लेड टू द शॉर्टेज ऑफ फूडर्स फॉर द डोमेस्टिक एनिमल। अब ये डोमेस्टिक एनिमल के लिए घास फूस भी नहीं होगी तो वो भी चारा नहीं खा सकेंगे। एनिमल्स स्टार्टेड बाई डाइंग ड्यू टू द स्टारवेशन एज नो फूड इज अवेलेबल। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर्स मे ऑल्सो गोज डाउन लीडिंग टू सर्व शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसकी वजह से क्या होगा, बारिश नहीं होगी तो पानी का जो लेवल है वो भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वाटर प्रॉब्लम। वाटर प्रॉब्लम क्या है? देयर इज अ लॉट्स ऑफ वाटर्स ऑन द अर्थ। अर्थ में बहुत सारे वाटर होते हैं, बट ओनली द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इट इज अवेलेबल फॉर यूज बाय ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ रिमेन्स द सेम, बट द डिमांड्स फॉर द वाटर्स इज इंक्रीज डे बाय डे। इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। नंबर्स ऑफ पीपल्स यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए पानी की जो लोगों की जो जरूरतें हैं वो भी बढ़ रही है। मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड गुड्स इन इंडस्ट्री। बहुत सारा पानी यूज किया जाता है गुड्स और इंडस्ट्रीज में और खाना उगाने में। दीज आर द मेन फैक्टर्स दैट लेड टू द स्टोरेज ऑफ वाटर सप्लाईज इन मैनी टाउन्स एंड सिटीज।
It may our life very difficult. Hence, it is very important that the water is useful, carefully and used it carefully, and we must not waste water. ठीक है, अगर हम अच्छे से यूज़ ना करें वाटर तो हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट होने की वजह से, वाटर वेस्ट होने की वजह से हमारे क्या हो सकती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाएगी. वाटर कंजर्वेशन क्या होता है? वाटर कंजर्वेशन इज़ द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ वाटर. द डिमांड्स फॉर द वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. डिमांड्स ऑफ अ वाटर इज इंक्रीजिंग विद अ राइजिंग पॉपुलेशन. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ रिमेन्स द सेम, बट द एबिलिटीज ऑफ वाटर फॉर यूज इन इज लिमिटेड. लॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन साइट इन मैनी सिटीज. चेंजिंग लाइफ स्टाइल हैज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर बींग कंज्यूम और वेस्ट दिस वेस्टेड. These are the leading to the shortage of waters in many parts of the world. Therefore, the water should be used carefully. We should not waste water. Okay? Next आते हैं. अब हम देखते हैं कंजर्व कैसे कर सकते हैं वाटर को. Get all leak taps repaired. ठीक है, हम क्या करें, जो हमारा लीक टैप है उसको हम रिपेयर करके रखें जिससे पानी वेस्ट नहीं होगा. Use a bucket or for taking a bath instead of a shower. Shower की जगह हम bucket का use करना चाहिए नहाने के लिए, इससे कम पानी वेस्ट होगा. इंस्टेड ऑफ वॉशिंग द फ्लोर्स यूज अ मॉप. क्या करें, फ्लोर को धुलने की जगह हम क्या कर सकते हैं, पोछे का यूज़ कर सकते हैं. वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन अ बाउल ऑफ वाटर एंड नॉट यूज़ अ रनिंग टैप. रनिंग टैप में ना फलों को धुल के, सब्जियों को धुल के, कहाँ से धुलें, हम लोग धुल सकते हैं उसको बाउल में पानी लेके. नेक्स्ट है, कलेक्ट द रेन वाटर्स एंड यूज इट फॉर अ गार्डनिंग एंड रीचार्जिंग ग्राउंड वाटर. क्या हो सकता है, और रेन वाटर का हम यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग के लिए पानी, और उससे क्या कर सकते हैं, रिचार्जिंग कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को, वाटर को बढ़ा सकते हैं. फिर नेक्स्ट क्या है, वॉश योर साइकिल कार एक्सेट्रा विथ अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ पाइप. पाइप की जगह हम वाटर का यूज़ कैसे कर सकते हैं, बकेट में, बाल्टी में लेके यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे. रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब रेन वाटर को कैसे बचाएंगे. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग द रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट फॉर यूज ड्यूरिंग द स्कैर्सिटीज. Harvested waters can be used for several purposes, including the drinking, washing, gardening, flushing, etc. The rainwater harvesting has wide application in the urban and semi-urban areas where the regularities and the quantities of municipal waters available is questionable. Despite the obvious advantage of rainwater harvesting, the percentage of household using rainwater harvesting in India, both in the urban and rural areas, is remarkable low. Next है rainwater harvesting techniques क्या क्या है. There are the two main techniques रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं या रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर कर सकते हैं. जैसे क्या, इट इज़ अ ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड द स्ट्रक्चरल यूज फॉर द ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड टैंक चेक डैम रिवर एंड पाउंड्स एक्सेट्रा. तो टॉप रूफ क्या करें, ऊपर से छत का जो पानी है, जो बारिश का पानी है वो स्टोर हो, और नीचे क्या करें, एक जमीन के अंदर हम टैंक बनाएं, उसमें हम स्टोर कर लें. ठीक है, एक ये टेक्निक है. इन दिस टेक्निक्स वाटर रेन वाटर इज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द टॉप रूफ. रूफ टॉप वाटर इज अलाउड टू गो टू इन टू द शॉर्टेज स्टोरेज टैंक थ्रू द पाइप. वाटर फ्रॉम द रूफ कंटेन सम सॉइल्स. वी शुड फिल्टर दिस वाटर बिफोर यूज दिस वाटर देन सीप्ड इन टू द सॉइल टू रिफिल और द रिचार्ज द ग्राउंड वाटर. इससे क्या होगा, अगर या तो उसको हम ग्राउंड में भी छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से वो ग्राउंड वो धीरे धीरे फिल्टर होके कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा, हमारा वाटर लेवल प्रिपेयर रहेगा. नेक्स्ट है रिचार्ज टू द ग्राउंड वाटर कैसे कर सकते हैं. इन दिस टेक्निक्स वाटर इज अलाउड टू गो टू इन टू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द ड्रेन दैट कलेक्टेड रेन वाटर
It is the new concept of the rainwater harvesting and the structures generally used are pits, trench, dug wells, recharge wells, recharge swaps, etc. तो हम ये क्या कर सकते हैं, गड्ढा खोद सकते हैं जिसमें क्या करें धीरे धीरे जो हमारा, या हम सप्लाई क्या कर सकते हैं जो हमारा मोटर लगा होता है उसी के थ्रू हम क्या करें फिल्टर करके रेन वाटर को हम धीरे धीरे क्या करते हैं स्टिल करके छान के और फिल्टर करके पानी को कहाँ डाल दिए ग्राउंड वाटर के सप्लाई में हम एडजस्ट करते हैं जिसकी वजह से वो ग्राउंड वाटर में धीरे धीरे सप्लाई होता रहेगा पानी। ठीक है, नाउ चैप्टर इज कम्प्लीटेड, कम्प्लीट योर वर्क इन योर नोटबुक। थैंक यू।